So hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Nitish Neo. What's up? Kaise ho? Kasak hai? And namaskara, hey Gidira. I'm quite sure ab tak bahut hi badhiya kar rahe ho. And aaj mere piche hai Suzuki ka Gixxer SF 2020 ka model hai, BS6 variant hai guys. So iska hum karenge review and walk around. So agar aap log mere channel ko subscribe nahi kiya hai, then do the subscribe button, like this video and share this video with all your friends on WhatsApp, Facebook या कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो. एंड अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो गाइज ये मेरा Instagram आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो फॉर अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. एंड आप मुझे पिंग भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो अगर आपके मन में कोई दुविधा है. तो अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स अ वॉक अराउंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक एंड देखते हैं कि गाड़ी कैसी है. बिफोर वी हेड टूवर्ड्स अ वॉक अराउंड, आई वुड लाइक टू थैंक ए स्कूडी वागोजी फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल बाइक फॉर द रिव्यू. तो ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है गाइज, आप इनको यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ द बाइक एंड टेस्ट राइड. आपको यहाँ पे मिलता है 17 इंच का ड्राइव व्हील एंड ये है आपको मिलते हैं जैपर के टायर्स फ्रॉम MRF. एंड ये जो टायर्स है गाइस, दे आर ऑफ 100x80 सेक्शन टायर्स, 17 इंच के ऑफ कोर्स टायर्स है. एंड यहाँ पे सामने आपको मिलता है डिस्क, दिस इज फ्रॉम बाइब्रे, दैट्स बाय ब्रेम्बो. एंड पीछे भी आपको मिलता है डिस्क, सो इट्स अ सिंगल चैनल ईबीएस गाइस, तो सिर्फ आपको सामने ईबीएस मिलेगा, पीछे आपको ईबीएस नहीं मिलेगा. एंड यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एज यूजुअल, कोई डिफरेंस नहीं हुआ गाइस, बाइक इज सेम एज दैट ऑफ द ओल्ड बाइक. Except for the difference is that ki guys this is a BS6 compliant now. And साथ में आपको मिलता है थोड़ा कैटकॉन नीचे की तरफ एंड दैट इज इट. एंड पावर में थोड़ा कम हुआ है बिकॉज 14 PS पावर था, पहले 13.9 PS पावर था, अभी मिलता है 13.6 PS पावर. एंड 14 Nm टॉर्क था, अभी आपको मिलता है 13.8 Nm टॉर्क. तो थोड़ा स्लाइट में डिफरेंस हुआ है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है. एंड सामने आपको मिलता है LED हेडलाइट्स गाइस, तो दिस लुक्स ब्यूटीफुल, ये हमेशा से खूबसूरत था, अभी भी खूबसूरत है. बट दिस इज वन थिंग विच आई फाइंड अ लिटिल ड्रॉबैक, दैट इज द इंडिकेटर्स आर नॉन LED गाइस. तो ये बल्ब इंडिकेटर्स है, दैट इज इट. एंड अभी हम बात करते हैं इन द फेयरिंग गाइस, फेयरिंग लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल इंजेक्शन, दैट इज फ्यूल इंजेक्टेड. ये लास्ट ईयर भी फ्यूल इंजेक्शन था, FI था, अभी भी FI ही है. एंड दिस इज अ सिल्वर मॉडल, सिल्वर एंड ब्लैक कलर का डिजाइन है यहाँ पे. एंड गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट्स 165 mm. एंड गाड़ी का जो सीट है 795 mm. एंड साथ में गाड़ी का जो व्हील बेस है इट्स 1340 mm. तो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशंस. अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे आपको मिलता है ओपन चैन सिस्टम गाइस, एंड दिस इज अ बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म. एंड ये ओपन चैन सिस्टम है, आपको पीछे भी मिलता है मोनोशॉक. एंड पीछे आपको मोनोशॉक मिलता है, पीछे भी नहीं बोल सकते, पीछे आपको मिलता है मोनोशॉक. एंड ओपन चैन सिस्टम है तो गाइस आपको हर 300-400 किलोमीटर में आपको साफ करना जरूरी है. एंड दिस इज द सारी गार्ड. एंड वन थिंग आई विच आई लव अबाउट दिस बाइक इज द टायर हैगर गाइस, एंड पीछे का जो फेंडर है ये, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई. टायर हैगर जो है आपको बारिश से मतलब बचाता है, कीचड़ ऊपर उछलता नहीं है. यहाँ पे रेयर फेंडर पे आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग चीज मिलती है, बिकॉज लेट्स से कि इन द मंथ ऑफ यू नो रेन, तो बाहर जब कीचड़ निकलती है तो इससे ऊपर नहीं निकलती है, दैट इज अ बिग एडवांटेज. अभी हम आते हैं रेयर की तरफ, यहाँ पे आपको मिलते हैं अगेन इंडिकेटर्स आर नॉन LED इंडिकेटर्स, बट यू गेट अ रिफ्लेक्टर ओवर हियर. एंड यहाँ पे आपको पीछे मिलता है ब्यूटीफुल LED लाइट, दिस इज द ब्यूटीफुल वी शेप लाइट ओवर हियर विच लुक्स क्वाइट कूल एंड क्वाइट प्रीमियम. एंड इस तरफ चलते गाइस, यहाँ पे आपको फिर से मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स एंड द टायर्स आर 140x60 सेक्शन टायर. पीछे आपको मिलता है रेव्स के टायर, सामने आपको मिलता है जैपर, सो दैट इज द डिफरेंस विद द टायर्स सामने और पीछे का. लेकिन पीछे का टायर जो है गाइस अच्छा खासा मोटा है, आप देख सकते हो यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपको मिलता है डिस्क गाइस, बट दिस टाइम दिस इज नॉट अ ABS, तो पीछे आपको ABS नहीं मिलता है, सिर्फ आपको सामने ABS मिलता है. एंड गाइस ये डुअल मफलर साइलेंसर है, दिस लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल. एक क्रोम प्लेटेड जो है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, सो देर इज अ डिफरेंस, बट आई काइंड ऑफ लव दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन ओवर हियर. यहाँ पे आपको मिलता है ऑयल कैनिस्टर एंड दैट इज इट, नथिंग बट इट्स क्वाइट अ सिंपल एंड अ नीट डिज़ाइन. एंड यू कैन सी दैट सुजुकी इको परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरफ. एंड अभी हम बात करते हैं अबाउट द इंजन गाइस, सो इट्स अ 155 cc एयर कूल्ड इंजन गाइस. एंड साथ में इसको आपको मिलता है 13.6 PS ऑफ पावर एंड 13.8 Nm ऑफ टॉर्क. इसमें आपको मिलता है ट्विन वॉल्व गाइस एंड ये SOHC इंजन है. अभी हम बात करते हैं अबाउट द टैंक. गाड़ी का जो टैंक है गाइस, इट्स 12 लीटर्स का टैंक है. एंड आपको मिल जाएगा माइलेज अराउंड 40 km to 45 km ईजीली. तो आपका जो टैंक रेंज रहेगा वो सीधा 500 किलोमीटर्स का टैंक रेंज आपको मिल जाएगा. एंड सीट जो है गाइस, इट्स अ स्प्लिट सीट ओवर हियर, लेकिन सीट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. लेकिन एक चीज़ है कि अगर कोई पीछे ऐसे क्रॉस में बैठेगा
तो उनके दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई ऐसे जीन्स पहन के ऐसे नॉर्मली बैठेंगे तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा। एंड ग्रैब रेल्स आर प्रीटी डिसेंट, द कलर इज प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन है, कोई नया कलर नहीं है, लास्ट ईयर भी कलर था, लेकिन लास्ट ईयर जो मैंने रिव्यू किया था वो था पूरा ब्लैक यूनिट। सो गाइस अभी हम बात करते हैं द हैंडल बार्स एंड द फ्रंट कंसोल। तो हैंडल बार्स पे यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट बटन एंड दिस साइड यू गेट अ पास लाइट, यहाँ मिलता है आपको हाई बीम लो बीम एंड यू गेट इंडिकेटर्स ओवर हियर एंड ये हॉर्न। एक बार सुनते हैं गाड़ी का हॉर्न कैसा है। ये शार्प है गाइस हॉर्न, ये बेसी नहीं है, दिस इज ऑन द शार्पर साइड। एंड इसमें कोई आपको एडजस्टेबल लिवर्स नहीं मिलेंगे, क्लच हो या ब्रेक हो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, क्वाइट अ सिंपल थिंग। तो अभी ये जो हैंडल बार्स है क्लिप ऑन हैंडल बार्स, हेंस अ लिटिल बिट ऑफ एग्रेसिव पोजीशनिंग, लेकिन वैसे ही आप जब यहाँ पे देखेंगे आप तो सीट हाइट जो है 795 mm कमिंग टू द पॉइंट। एंड जब आप बैठेंगे तो आपका जो पैर रहेगा वो थोड़ा बहुत अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, विच इज़ अ लिटिल एग्रेसिव, और हाथ भी थोड़ा बहुत एग्रेसिव री पोजिशन हो जाएगा आपका। एंड इफ़ योर हाइट इज़ अराउंड 5'5", 5'6", यू शुड बी एबल टू राइड दिस बाइक कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एंड अभी हम बात करते हैं द फ्रंट कंसोल गाइस। तो गाड़ी का जो फ्रंट कंसोल है, जैसे ही मैं ऑन करता हूँ एक पूरा स्वाइप मारता है, दिस लेट्स गो बोलता है, सीधा जीरो पे आ गया अभी। तो यहाँ पे है गाइस गाड़ी का टेलटेल लाइट्स एंड यहाँ पे आपको मिलता है गाड़ी का एक्चुअल कंसोल। तो अभी हम बात करते हैं टेलटेल लाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है हाई बीम लो बीम, यहाँ पे आपको मिलता है न्यूट्रल, तो गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं, यहाँ पे आपको मिलता है इंजन चेक लाइट, यू गेट लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर्स ओवर हियर, तो ये आपको मिल जाता है। एंड ऊपर आपको मिलता है आरपीएम लाइट, दैट इज आरपीएम शिफ्ट लाइट, यहाँ पे आपको मिलता है वार्निंग सिग्नल एंड यू गेट योर एबीएस ओवर हियर, तो गाड़ी का एबीएस ऑन है या ऑफ है इससे समझ में आ जाएगा। एंड यू गेट अ सेलेक्ट एंड एडजस्ट कीज ओवर हियर। तो अभी हम बात करते हैं अंदर की तरफ, अंदर आपको मिलता है यहाँ टैकोमीटर, यू गेट योर न्यूट्रल, दैट्स योर गियर पोजीशन इंडिकेटर ओवर हियर, यहाँ आपको मिलता है फ्यूल गेज एंड यू गेट अ स्पीडोमीटर ओवर हियर, यहाँ आपको मिलता है योर बैटरी बैटरी मीटर एंड यहाँ आपको मिलता है क्लॉक। सो दिस इज इट विद द फ्रंट कंसोल गाइस, ये बहुत ही डिसेंट सा फ्रंट कंसोल है, विच इज नीडेड इज देयर ऑन द फ्रंट कंसोल। सो गाइस अभी हम सुनते हैं कि गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसा है, एक बार ऑन करते हैं यहाँ पे। एंड ये बात करते हैं हम लोग चाहते हैं टूवर्ड्स द प्राइस ऑफ द बाइक, गाड़ी का जो प्राइसिंग है गाइस, इट्स अराउंड 1.5 लाख रुपीस हियर इन पुणे ऑन रोड। एंड वही आप एक्स-शोरूम देखेंगे तो मेरे ख्याल से 1.21 लाख रुपीस रहना चाहिए उसका। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को गाड़ी का जो वॉक अराउंड आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद है तो पता है क्या करना होता है, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो। अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स द राइड रिव्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक। तो बॉय ओ बॉय यहाँ पे है जिक्सर एस एफ 155 BS6 2020 का मॉडल, इसका बनेगा आज रिव्यू। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं राइड रिव्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक। तो ऐसे एनीवेज की तो ऑन रखा था मैंने, शुरू करूँगा बाइक अभी राइट नाउ, तो क्लच दबा के शुरू करना पड़ेगा। तो शुरू हो गया बाइक एंड लवली, बहुत ही ज़रा स्मूथ है, गियर बॉक्स इज सुपर्ब। सो गाइस लग गई है मेरी गोप्रो की वाट, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, बिकॉज अभी क्या ही करें यार, मेरा गोप्रो का एडाप्टर निकल गया एंड बिकॉज ऑफ विच मेरा वॉइस हट चुका है, तो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो जैसे ग्रेवल पे एक बाइक जा रही है, बहुत अच्छी खासी जा रही है ग्रेवल के ऊपर एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ टायर्स दिस हैज गॉट विच इज़ प्रीटी गुड। साथ में गाइस एक और बात यह है कि गाड़ी इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल फॉर मी, मुझे अच्छा खासा रिजिड लग रही है इन टर्म्स एंड स्टेबिलिटी भी सही लग रही है ऑन द रोड बिकॉज। साथ में गाइस बात यह है कि मेरे जो पैर आप देख सकते हो टैंक के नीचे मतलब प्रॉपर चिपके हुए टकिन हो चुके हैं, विच मेक्स इट मोर कम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। एंड मेरी जो हाथ जो है गाइस प्रॉपरली बैठे हुए हैं हैंडल बार्स के ऊपर, विच मेक्स इट मोर कम्फर्टेबल टू राइड ऑन योर हाईवेज एंड ऑल्सो सिटी रोड्स, बिकॉज R15 से आप जब कंपेयर करेंगे तो R15 इज मोर ऑफ एग्रेसिव स्टाइलिंग, लेकिन ये थोड़ा बहुत कम्फर्टेबल कम्फर्ट है क्योंकि पम्प्स के ऊपर उतना मुझे दर्द नहीं हो रहा है। साथ में आप कंपेयर कर सकते हो इसको RS 200 के साथ, बट RS 200 का प्रॉब्लम यह है कि गाइस RS 200 इज मोर पावरफुल, प्रॉब्लम नहीं बोल सकता उसका एडवांटेज है वो, लेकिन यही थोड़ा बहुत पावरफुल कम है, दैट इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक, बट दैट इज़ प्रीटी फाइन। अभी एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि इस गाड़ी को आप हाईवेज पे लेके जा सकते हो कम्फर्टेबली फॉर अ डिसेंटली लॉन्ग राइड, जैसे 300-400 किलोमीटर आप चला सकते हो। एंड साथ में गाइस एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो खड्डे है गाइस, खड्डे के ऊपर गाड़ी जो जा रही है इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल, बिकॉज पीछे का जो सस्पेंशन है गाइस वो लिटिल बिट ऑन द स्टिफर साइड है, लेकिन फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड पे है, बिकॉज ऑफ पीछे खड्डों को टैकल तो करती है, लेकिन हाईवे पे आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है, बिकॉज जब हाईवे पे आप क्रॉस विंड्स में चलाएंगे तो अच्छा खासा स्टेबिलिटी मिल जाती है, दैट इज एन एडवांटेज ऑफ दिस बाइक। एंड साथ में इसके जो ब्रेक्स है गाइस देयर सेम एज दैट ऑफ द 2019 मॉडल जो मैंने रिव्यू किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन बार में। एंड अभी हम चेक करते हैं कि गाड़ी के जो ब्रेक्स में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है वो देखते हैं हम लोग। एंड आई होप कि फ्रंट ब्रेक्स हैव इंप्रूव्ड,
कम्पेयर दैट ऑफ द प्रीवियस वर्जन। तो अभी हम थोड़ा क्या करेंगे, गाड़ी को थोड़ा भगाएंगे, भगाने के लिए अपने को ओवरटेक करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन गाड़ी में मिरर्स नहीं है तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है ओवरटेक करने के लिए। तो एनीवेज नई गाड़ी है तो थोड़ा मिरर्स तो नहीं है, हटाया है इन्होंने, तो अभी थोड़ा भगाएंगे, देखते हैं ब्रेक लगा के फ्रंट ब्रेक एट दिस स्पीड कैसे लगेगा। तो फ्रंट ब्रेक इज प्रीटी बाइटी मैन, अच्छा खासा लग रहा है मुझे, साथ में शॉक जबरदस्त प्रीटी गुड यार। अभी मैंने स्टिफ बोला था लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल है, हम्प के ऊपर तो अच्छा सा खासा ग्लाइड कर रहा है ये, बहुत ही कुछ नहीं लगा मुझे। एंड ये बस को अभी हम ओवरटेक करेंगे एंड चेक करेंगे कि रेयर ब्रेक्स कैसे हैं। तो रेयर ब्रेक्स दबाने का टाइम आया राइट अवे, तो रेयर ब्रेक्स आर प्रीटी गुड एंड ऑफ कोर्स सस्पेंशन आर डूइंग वेरी वेल। तो आपके सिटी राइड्स एंड ओकेजनल बैड रूट्स के सही है सस्पेंशन। एंड यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इतने सारे गाड़ियाँ हैं लेकिन कैन आई निम्बल दिस बाइक इज़ द क्वेश्चन। तो अगर मैं ट्रैफिक में जाऊँगा तो ट्रैफिक में निम्बल कर सकता हूँ क्या? तो अभी देखते हैं राइट अवे, बिकॉज निम्बलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू राइडिंग योर बाइक इन द सिटी। तो अभी देखते हैं, ओके दिस इज कूल, तो अच्छी खासी निम्बल तो कर रही है बाइक यहाँ वहाँ पे। एंड द एडवांटेजेस कि मैं इतनी देर से भी 15-20 मिनट को चलाते हुए एंड 15-20 मिनट में ना गाड़ी हीटअप नहीं हो रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड साथ में गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ओवरटेक कर रहा हूँ, निम्बल कर रहा हूँ, गाड़ी का वेट जो 154 केजी है विच इज़ एक्चुअली वर्थ इट। एंड अगेन हम्स के ऊपर अच्छे खासे ग्लाइड जरूर करती है यार बाइक। एंड एक चीज़ आपको बताना था कि गाड़ी का जो गियर है अच्छा खासा सॉफ्ट है, मतलब क्लच इज़ वेरी लूज एंड लूज है, मतलब बहुत इजी टू यू नो हैंडल। एंड साथ में गाइस एक चीज़ बताना था कि क्या गाड़ी का टर्निंग रेडियस कैसा है। तो अभी गाड़ी घुमाते हैं एंड फील करते हैं टर्निंग रेडियस को एक बार। एंड ओके प्रीटी गुड मैन, टर्निंग रेडियस इज प्रीटी गुड, मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं अपने पैर को बिना नीचे रखे हुए कर रहा हूँ ये चीज़, एंड दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो साथ में गाइस गाड़ी पे क्या कोई वाइब्रेशंस है वो भी एक बार देखना है। एंड मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा है बिकॉज हैंडल बार्स पे देयर आर नो वाइब्रेशंस एंड सो इज द केस विद दैट ऑफ योर फुट पेग्स, मुझे कहीं भी वाइब्रेशन नहीं दिख रहा है, विच इज़ अ बिग एडवांटेज व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ अदर बाइक्स। तो साथ में गाइस गाड़ी का जो कॉस्ट रेट इट इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड विच इज़ 1.5 लाख, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है बिकॉज लास्ट ईयर 1.3 लाख था, इस बार 1.5 लाख है। तो इसके साथ आप क्या सोच सकते हो कॉम्पिटिशन में, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। NS160 भी मिल जाएगा आपको साथ में, दैट इज़ ऑयल कूल्ड इंजन, ये एयर कूल्ड इंजन है, बट इसमें आपको मिलता है सुजुकी का इंजन। तो सुजुकी का इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है, ये सबको पता है। सो दैट बीइंग सेड गाइस, मैं इस बाइक का जो रेटिंग होती है विथ रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशंस इसको देना चाहता हूँ अराउंड 8.5/10। विथ रिस्पेक्ट टू पावर इट्स अगेन 8.5/10 एंड विथ रिस्पेक्ट टू द माइलेज इट्स अगेन 8.5/10। तो टोटल मेरा जो रेटिंग रहेगा गाइस इट इज़ 8.5/10। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को गाड़ी का जो वॉक अराउंड था, राइड रिव्यू तो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो बताइए क्या करना होता है। Subscribe to my channel, like this video and share this video with all your friends. As usual guys, I would like to end this video with Jai Hind, Vande Mataram.